बड़ी खबर आ रही है चूरू से। आपको बताया एसीबी की यहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रम विभाग अधिकारी के दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरिफ रिसालदार को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए रिश्वत राशि के चेक के साथ गिरफ्तारी हुई है। क्लेम दिलाने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। नई सड़क रवि स्टोर के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। तो चूरू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं रिश्वत खोर जो दलाल है वो किस तरह से एसीबी के हत्थे चढ़ा है। श्रम विभाग अधिकारी के दलाल को गिरफ्तार किया गया है। आरिफ रिसालदार नाम बताया जा रहा है। 1 लाख रुपए की रिश्वत का चेक उसके बतौर रिश्वत उसने ली थी, जिसके साथ ही एसीबी की टीम ने उसे ट्रैप किया और रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो आरिफ रिसालदार को गिरफ्तार किया गया है। चूरू की ये तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों पर एसीबी जो है एक्शन मोड में है। अब चूरू में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रम विभाग अधिकारी के दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरिफ रिसालदार गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख रुपए रिश्वत राशि के चेक के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल क्लेम दिलाने की एवज में उसने रिश्वत की मांग की थी। नवरत्न हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। नवरत्न, किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या कुछ दलाल से अब तक शुरुआती पूछताछ में सामने आई? जी अभिनव, मैं आपको बता दूं, ये मोहम्मद आरिफ जो है ये अनुबंधित वाहन जो श्रम विभाग में लगाया उसका चालक है, और इसने ये जो परिवादी है मुकेश सैनी, इसके भाई की मृत्यु होने के बाद 5 लाख रुपए का क्लेम दिलाने की मांग को लेकर एवज में इसने 1 लाख रुपए का जो रिश्वत राशि मांगी थी इसने परिजनों से। उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए देने के बाद हम आपको 5 लाख का क्लेम पास करवा देंगे। और आपको बता दें, श्रम विभाग के किसी अधिकारी की सह पर ही इसने बात करके ये राशि इसे डिमांड की थी, जिसके एवज में उसने इसके जो मुकेश है परिवादी उसने आज 1 लाख रुपए का चेक इसको दिया। रास्ते में ही मेन सड़क पे जो चाल रहा था इस पे फोन करके इसने बुलाया और आरिफ को ये राशि का चेक देते हुए एसीबी ने इसे दबोच दिया। जी अभिनव, चलिए शुक्रिया नवरत्न तमाम जानकारी के लिए।